हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम जाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल बीबीसी। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपने खेत पर आ गए हैं। ये हमारा खेत है और सर्दी का मौसम है। अभी सूरज भी ठीक से नहीं निकला है, लेकिन टाइम तो लगभग 9:30 का है इस वक्त। दोस्तों, हम अपने खेत पर आए हैं इसकी सफाई करने के लिए, क्योंकि हमारे खेत में ये पॉपुलर और लिप्टिस के पत्ते गिर गए हैं, तो इनको साफ़ करने के लिए आए हैं। हमारे साथ हमारे दो भाई भी हैं और हमारे साथ हमारी ये बच्चा टीम भी है। मतलब हमारे ये बच्चे हैं, कोई गांव के बच्चे नहीं हैं, हमारे और हमारे भाई के बच्चे हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो अपने छोटा या बड़ा भाई समझ के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्त, आप देख रहे हैं ये ईख है, यानी गन्ने का खेत है, और ये पास में भी गेहूं का खेत है। अभी तो फ़िलहाल मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं खेत में काम नहीं कर रहा हूँ, और वीडियो ख़त्म होने के बाद भी मैं भी इसमें लग जाऊंगा। ये हमारे बच्चे लोग जो हमारे साथ आए थे, वो इसके अंदर घुस गए हैं और घूम रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? काली मकई ढूंढ कर खा रहे हैं, और बच्चे ये खेत पर टहल रहे हैं। इन्होंने अपने खेत में काम करना छोड़ दिया। मतलब खेत में ऐसे ही आए थे घूमने के लिए, कोई काम तो नहीं करते, पत्ते गिर गए, दो चार पत्ते उठाते, लेकिन उन्होंने ये काम छोड़ कर ईख में घुस गए और पता नहीं ढूंढ के खा रहे हैं काली मकई। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे ये दो छोटे भाई हैं, ये खेत पर मतलब खेत के अंदर घुस चुके हैं। मैं भी खेत के अंदर ही हूँ और ये पत्ते बीन रहे हैं। यही हमारा खेत है, लमसम 2 बीघा होगा, और ये गेहूं को लगभग बोए हुए लगभग 25 दिन हो गए हैं। एक बार इसमें अभी पानी लगा है, अगर बारिश नहीं होती तो अभी एक या दो बार पानी और लग जाता इसमें। ये हमारे छोटे भाई नाहिद और ये हमारे भाई साहब साजिद अंसारी, जो कि सिलाई का वर्क करते हैं, और ये हमारे भाई साहब हैं, ये भी इनकी भी ट्रेनिंग चल रही है, लकड़ी का काम मतलब पार्टिकल काम करते हैं ये। तो हम बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, कुछ तो फ़ायदा हमको होना चाहिए। दोस्तों, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमको और वीडियो बनाने का मतलब शौक और जज्बा जारी रहे। दोस्तों, देखिए अभी हमें इस खेत में दवा डालना है। अभी एक दिन पहले ही दवा पड़ी है। इस समय मैं खेतों के बीचों बीच खड़ा हुआ हूँ। दोस्तों, काफ़ी समय से मैंने वीडियो नहीं डाला था, लगभग 10 से 15 दिन हो गए, और मेरे साथ जो मेरी बच्चा टीम आई है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरे साथ बच्चे टीम आई है जो हम लोगों की हेल्प कर रही है, पत्ते बीनने में हमारी मदद कर रही है बच्चा टीम। और हमारे ये दो भाई साहब हैं, इन्होंने बिल्कुल ज़्यादा कोई काम नहीं करा, थोड़े से पत्ते मतलब साफ़ करा है, और ये थक गए हैं, अब खड़े हो गए जेब में हाथ डालने, क्योंकि उनको सर्दी लग रही है। करने के बजाय ये वीडियो शूट करने लगे, क्योंकि इनको भी वीडियो बनाने का मतलब शौक चढ़ गया और ये वीडियो बनाने लगे, ये मेरी ही वीडियो बनाने लगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले हमारे इस खेत में काली और सफ़ेद तरह की खेती थी, लेकिन ख़त्म हो गई थी। उसके बाद हमने ये गेहूं अपने खेत में लगाया। और दोस्तों, जैसा कि आप
वो सफ़ेद तुरई देख रहे हैं ना, वो लगी हुई है, वो उसी की निशानी है। यानी इससे पहले हमारे खेत में काली और सफ़ेद तुरई थी। इसमें आपको 5 सफ़ेद तुरई दिख रही हैं और एक काली लौकी है, हैं। और ये हमारे भाई साहब अभी भी काम पर लगे हुए हैं, और साथ में जो हमारे साथ जो बच्चे हमारे आए थे वो इस खेत के अंदर हैं। इसमें मतलब खाने का एक आइटम है, मुकैया जिसे बोलते हैं हमारे देहाती भाषा में, वो बच्चे मतलब इस खेत के अंदर घुसे हुए हैं, वो अपने खाने का इंतजाम कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं और इस खेत के अंदर रहें और देख रहे हैं बच्चे। मतलब बच्चे बजाय खेत में इसमें काम करने के बजाय उस खेत में चले गए हैं हमारे पड़ोसियों के खेत में, और वो मुकवे तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं। और जो हमारे भाई साहब हैं, इन्होंने जिस काम से आए थे वो काम छोड़ दिया और गन्ना खाना शुरू कर दिया है। मतलब जब से इन्हें बोला नहीं जाएगा काम करो तब तक ये काम नहीं करेंगे। पहली बात तो ये घर से ही बड़े मुश्किल से आए थे और यहाँ आकर ये काम भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो छोटे भाई साहब हैं नाहिद भाई, जो बेचारे अभी भी काम पर लगे हुए हैं, बहुत मेहनती हैं और बिना कहे अपने काम पर लगे हुए हैं। आपको यहाँ दूर दूर तक गेहूं की खेती नज़र आएगी। सभी जगह यहाँ इस समय मौजूदा हालत में गेहूं की खेती है। सर्दी का मौसम है और बहुत ही कम धूप निकली है यहाँ। की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।